एवरीवन वेलकम बैक। सो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए यानी कि बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सो ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने फर्स्ट टू यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि वो कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स 2020 के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी थर्ड यूनिट से और जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसके वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है बोर्ड 2020 के लिए, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं और एक टॉपिक अलग से हम ड्रग्स के बारे में बढ़ते हैं, राइट। तो इसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से होगा, जनरली एक टेबल बना दी जाती है, उस टेबल से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा। एक तो आपको यहाँ पर पैथोजन के लिए कॉलम देंगे, ठीक है। अब पैथोजन में आपको वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या प्लास्मोडियम जो कि डिजीज को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर यहाँ पर डिजीज का नाम लिखा होगा, ठीक है। अलोंग विद दिस टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं टारगेट ऑर्गन, या फिर इसी के साथ साथ आप देखोगे सिम्टम्स के लिए भी एक कॉलम यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर पैथोजन का नाम लिखा है सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी, तो उसका मतलब है वो कौन से डिजीज करवा रहा है। आपके लिए यहाँ पर ए ऑप्शन ब्लॉक छोड़ दिया, यहाँ पर ब्लैंक। अब इसमें आपको फिल करना पड़ेगा कि सेल्मोनेला टाइफी डिजीज करवाएगा टाइफाइड, राइट। फिर अगर यहाँ पर टारगेट ऑर्गन था, चलो इंटेस्टाइन ऑलरेडी लिखा हुआ आपको दे दिया गया, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। मान लीजिए इंटेस्टाइन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, फिर सिम्टम्स पूछेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, हम्स में ये डाल के आ जाते हैं। भाई अगर आपको एक स्पेसिफिक डिजीज के सिम्टम पूछे गए हैं तो आपको उसी के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो बताने हैं, क्योंकि हेडेक और फीवर हम सभी आंसर्स में नहीं लिख सकते, है ना। तो अगर सेल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड है उसके बारे में बात हो रही है तो आप ये बताओगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती, ठीक है, या बॉडी का जो वेट है डेफिनेटली वो भी कम हो जाएगा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो, या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, करेक्ट। सो यहाँ पर आप सिम्टम्स भी मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये बी दिया हुआ था, देन ये सी हो सकता है, यहाँ पर आपको डिजीज का नाम लिख के ऑलरेडी गिवन है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मलेरिया लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मलेरिया। तो अगर यहाँ पर मलेरिया लिखा होगा ऑलरेडी और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा पैथोजन है जो कि मलेरिया करवा रहा है, तो आप यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, प्लाज्मोडियम का नाम लिखेंगे। बच्चे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो लिख देते हैं, वो पैथोजन नहीं है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फैक्टर है जो कि प्लास्मोडियम को लेकर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पर, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे इंडिविजुअल तक, ठीक है भाई। अब इसमें जो टारगेट ऑर्गन होगा जनरली ब्लड के साथ फ्लो करके जो स्पोरोजॉइट्स हैं यानी कि जो प्लास्मोडियम की इन्फेक्शन स्टेज है वो कहां पर जाती है, लिवर के सेल्स में जाएगी और आरबीसी में, तो आप वो लिख सकते हैं। देन सिम्टम्स में चिल्स एंड फीवर, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे, करेक्ट। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अलग से क्वेश्चन आ जाता है रिंग वर्म से रिलेटेड, आपसे पूछेंगे कि फंगस की दो ऐसी कैटेगरीज बताइए जो कि रिंग वर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन जो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर हम अपने सराउंडिंग से दो मॉस्किटोज को इरेडिकेट कर दें, मान लो हमने एडीज मॉस्किटो को और क्यूलेक्स मॉस्किटो को अपने सराउंडिंग से निकाल दिया, इरेडिकेट कर दिया, तो वो कौन सी दो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो आप बताओगे डेंगू एंड चिकनगुनिया, क्योंकि ये किस किस बीमारियों को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पर रिस्पेक्टिवली से लिख रही हूँ, क्योंकि एडीज रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए और क्यूलेक्स रिस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में से। इसके अलावा भाई जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा एंटीबॉडी का ना डायग्राम स्ट्रक्चर आपको बना के दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पर ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप बताओगे कि ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। फिर आपसे पूछ सकते कि ये कौन सी साइट है ये बताइए, तो आप बताओगे कि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसको H2L2 कहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि एक एंटीबॉडी में दो हैवी और दो लाइट चेन्स होती है, इसीलिए हम इसको H2L2 कहते हैं, ठीक है भाई। अलॉन्ग विद दिस जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या है, आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है भाई।
इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 8 में से जो अगला क्वेश्चन बनता है वो एलर्जी वाले टॉपिक से आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एलर्जी क्या है, या फिर पूछेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बताएंगे एलर्जी को, है ना। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी में, IgE प्रोड्यूस होती है। फिर इसके साथ एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मास्ट सेल्स का क्या फंक्शन है, मास्ट सेल्स का क्या फंक्शन है, तो आप बताएंगे कि वो मास्ट सेल्स ही हैं जो कि कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एलर्जी। और एलर्जी करवाने वाले जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गए, वो सब क्या है, एलर्जन है, करेक्ट। तो ये हो गए चैप्टर नंबर 8 में से। अब ड्रग वाले टॉपिक से भी बात करेंगे, तो इन क्वेश्चंस के अलावा अगर ड्रग वाले टॉपिक की मैं बात करूं तो उसमें आपको इस तरीके से भी बॉक्स की फॉर्म में भी आ सकता है ना। अदरवाइज दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड स्ट्राइक कर रहे हैं वो एक तो ये है कि मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आप देखते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में तो वो रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, है ना, तो वो ना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, तो क्या पता आ जाए। तो देखो एक क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन सा ड्रग है जो कि एज अ सेडेटिव या फिर एज अ पेन किलर दिया जाएगा, तो वो कौन सा ड्रग है जो कि एज अ सेडेटिव या फिर पेन किलर दिया जाता है, मॉर्फिन, राइट। मैं साथ साथ आंसर भी बता रही हूँ तो आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ड्रग वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कैनाबिनॉइड्स के जो पार्ट्स है, कौन सा प्लांट है जिससे हम कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करेंगे, और उसके कौन कौन से पार्ट्स है, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस है, आप वो बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और वन मार्क का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सेडेटिव के अलावा पूछते हैं मेंटल इलनेस को कोप करने के लिए, मेंटल इलनेस को कोप करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, तो भाई इसका ऊपर वाले का आंसर तो मॉर्फिन था, और जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ मेंटल इलनेस को कोप करने के लिए, उसमें आप LSD लिख सकते हो या फिर बारबिट्यूरेट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, एक तो मेंटल इलनेस से कोप करने में हेल्प करेंगे, और मॉर्फिन सेडेटिव या फिर पेन किलर की तरह यूज किए जाते हैं, करेक्ट। तो दीज आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करते हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में घूम जाते हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो चैप्टर नंबर 9 के कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार फटाफट से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 9 से जो सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला होता है इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का, डिफरेंस बिटवीन इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। तो देखो इनब्रीडिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो आपको बताना होगा, और उसकी कई बार इनब्रीडिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनब्रीडिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है भाई। तो अगर एडवांटेजेस पूछेंगे आप बता दो कि प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाती है और होमोजाइगोसिटी ऑब्टेन हो जाती है, जिससे सुपीरियर वाले ट्रेट्स रह जाते हैं, इंफीरियर वाले एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो डिसएडवांटेजेस है उसमें डेफिनेटली क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, करेक्ट। फिर आपसे पूछा जाता है मोइट के बारे में कि किसी भी हर्ड का, एनिमल के ग्रुप का जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी, वो डिक्रीज होती जा रही है, आप किस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो आप मोइट के बारे में बताएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है ना, उसमें आपको किस किस चीज के बारे में पूछेंगे कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, और बायो फोर्टिफाइड जो न्यू वैरायटीज हमें मिली है वो हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन है ना, और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई बायो फोर्टिफाइड जो वैरायटीज हमें मिल रही है, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में रिच होती है, तो एक एग्जाम्पल आप इसमें एटलस 66 का दे सकते हो, एटलस 66 जो प्रोटीन या विटामिन रिच होगा। एक एग्जाम्पल आप इसमें गोल्डन राइस का दे सकते हैं, गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैरेट रेडिश वगैरह का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो विटामिन सी में एनरिच्ड है, जो सॉरी कैरेट रेडिश बोल रही हूँ, आपका जो ये बिटर गॉर्ड वगैरह हो गए है ना, विटामिन सी एनरिच्ड जो होते हैं, उन सबके भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते, ठीक है भाई। अब बायो फोर्टिफिकेशन तो हो गया है, अब जो अगला क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे वो क्या हो सकता है, टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन हो सकता है ना। तो टिश्यू कल्चर अब टिश्यू कल्चर ना एक एक नंबर के टर्म्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स प्लांट क्या है, तो एक्स प्लांट मतलब किसी भी प्लांट से सेपरेट किया हुआ पार्ट,
फिर पूछेंगे टोटी पोटेंसी क्या है, तो टोटी पोटेंसी का मतलब है कि प्लांट के पार्ट्स की एबिलिटी होती है ना, जो एक्सप्लांट है उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो न्यू प्लांट पे डेवलप कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं टोटी पोटेंसी। फिर एक टर्म है सोमाक्लोन या सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है, सोमाक्लोन या फिर सोमैटिक हाइब्रिड में आपको डिफरेंस पूछेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है भाई। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन 2 मार्क में जो बन जाता है वो ये है कि देयर इज अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, देयर इज अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट एंड यू स्टिल वांट टू ऑब्टेन अ नॉन इन्फेक्टेड प्लांट फ्रॉम दिस। अब आपके पास एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और आप उससे एक नॉन इन्फेक्टेड प्लांट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आप इसके कौन से पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पर मेरिस्टेम का यूज करेंगे ताकि हम मेरिस्टेम का यूज करके उसके जो डिवाइडिंग सेल्स है उनको यूज करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन से फ्री होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का आप इसमें यूज कर सकते हैं। देन जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें, अगर 1-1 मार्क के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए ना, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ये है कि इम्प्रूव्ड ब्रीड या इम्प्रूव वेराइटी बताइए, है ना, इम्प्रूव ब्रीड या इम्प्रूव वेराइटी बताइए, किसकी, चिकन की और कैटल की। तो चिकन की जो इम्प्रूव वैरायटी है वो तो लेगहॉर्न हो गई, है ना, और जो कैटल की इम्प्रूव वैरायटी है वो कौन सी है, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, वो जर्सी है ना। तो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस चैप्टर में से पूरे टेबल है, 2 टेबल्स है इनफैक्ट, जिसमें आपको डिजीज से रेजिस्टेंस वाली जो वेराइटीज है उनके बारे में पता चलेगा, है ना। तो जैसे हीमगिरी एक वेराइटी है वीट की जो डिजीज से रेजिस्टेंट है, तो इस तरीके से वो टेबल आपको जरूर पढ़ने, करेक्ट। और एक और क्वेश्चन जो 2 नंबर में इसमें से पूछा जा सकता है वो ये है, राइट दी बायोकेमिकल, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल्स या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं ताकि वो अपने आप को डिजीज से बचा सके, है ना। राइट दी बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप बाय प्लांट्स, किस चीज के लिए, अपने आप को डिजीज से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट या फिर टू अवॉइड डिजीज़। तो इसके अंदर आप कौन से एग्जांपल दे सकते हो, आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे कि मेज का एग्जांपल ले लीजिए, स्टेम बोरर से बचने के लिए मेज के अंदर एस्पार्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, शुगर और नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है, राइट। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं वीट के अंदर हेयर लीव्स होती है, तो वो हेयर लीव्स किस चीज में हेल्प करेंगी, उनको जो बाकी जेसेट्स वगैरह जो इंसेक्ट होते हैं पेस्ट होते हैं उनसे बचाने में हेल्प करेंगी। सो दीज आर दी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दीज आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स 2020। अब हम चैप्टर नंबर 10 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें से चैप्टर नंबर 10 में से याद है वो ये है कि सीवेज क्या है, व्हाट इज सीवेज, और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट उसमें क्या डिफरेंस, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपको डिफरेंस बताना है, प्राइमरी एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं उसमें फ्लॉक्स यानी कि बैक्टीरिया और जो फंगस है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। कई बार बीओडी की एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, यमुना एक्शन प्लान, है ना, गंगा एक्शन प्लान, गैप, ये भी पूछ लिया जाता है। और इनके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये होता है कि साइनोबैक्टीरिया किस तरीके से पैडी फील्ड में जरूरी होते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो बहुत ही अच्छे नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ठीक है। तो पैडी फील्ड में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि एक ऐसे इंसेक्ट का, एक ऐसे बैक्टीरिया का और एक ऐसे फंगस का एग्जाम्पल दीजिए जो कि बहुत ही अच्छे बायो कंट्रोल एजेंट होंगे, है ना। तो बायो कंट्रोल एजेंट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताने हैं, एक इंसेक्ट का नाम बताना है, एक बैक्टीरिया का नाम बताना है और एक वायरस का नाम, सॉरी फंगस का नाम बताना है। तो देखो इंसेक्ट में आप ड्रैगन फ्लाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैक्टीरिया में बैसिलस थुरिंजियनसिस और फंगस में आप न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके से बॉक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल बना रही हूँ, तो टेबल में क्या क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, है ना, पैथोजन या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फंगस, सबसे पहले मैंने लिख लिया फंगस, ठीक है। अब फंगस तो कैटेगरी होगी, फंगस क्या हो गई,
कैटेगरी हुई उसका एक एग्जाम्पल और जो वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम, या फिर इसी के साथ साथ आपसे भी पूछ सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का यूज क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर फंगस के बारे में बात किया और उस फंगस का नाम लिख लिया हमने मोनस्कस परप्यूरिस, मोनस्कस परप्यूरिस। ठीक है, अब ये कौन से प्रोडक्ट को बनाएगी और उस प्रोडक्ट का यूज क्या होगा, इस तरीके से आपको बॉक्स बना के दे देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फंगस की कैटेगरी है मोनस्कस परप्यूरिस, उसका नाम है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का यूज क्या है। तो आप बताएंगे स्टेटिन वो प्रोडक्ट बनाती है और उसका जो यूज है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दूसरा फंगस दे देंगे या फिर यहाँ पर लिख देंगे सी, और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। फिर आपसे पूछेंगे इसका फंक्शन बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखोगे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में से। तो यहाँ पर आप बताओगे साइक्लोस्पोरिन ए का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, किस चीज में हेल्प करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह, राइट। तो इस जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से पूछे जाने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलॉन्ग विद दिस कई बार पूछना जाता है कि जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिए है ना, तो उसके बारे में ये पूछेंगे आपसे कि आप बताइए डिस्टिलेशन ऑफ डाउट डिस्टिलेशन वाली ड्रिंक्स कौन सी है, तो वन मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है, तो बताएंगे कि उसमें प्रोसेसिंग चलेगी या फिर नहीं। तो दीज आर दी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, राइट। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों के क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात कर रहे हैं और 12 which are included in biotechnology. तो भाई biotechnology के कौन कौन से important questions हैं जो इस बार 2020 के लिए expected हैं? तो देखो सबसे पहला है genetically modified organisms क्या हैं और उनकी significance क्या है। तो genetically modified organisms जिनके genes को modify कर लिया जाता है और इनकी significance आप बताओगे plants के respect में। दूसरा question, जो बेसिलस थुरिंजेनेसिस है वो एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा है ना, तो वो प्रोटीन इस बैक्टीरिया को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो आप बताओगे कि वो इनएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा जो कि मॉस्किटो के यानी कि इंसेक्ट के गट में जाकर ही एक्टिव होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को, आरएनए इंटरफेरेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप किस तरीके से जीन्स की मॉडिफिकेशन को यूज करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप बता सकते हो हमने इंसुलिन की फॉर्मेशन की है, हमने जीन थेरेपी किया और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन में तीन फायदे है ना, बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन में तीन फायदे, यूजेस इन मेडिसिन। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से मेडिसिनल पर्पस में यूजफुल रही, तो आप बताओगे एक तो इंसुलिन की फॉर्मेशन आपने की थी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। फिर दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा आप उसमें एग्जांपल किसके बता सकते हो, जीन थेरेपी का, राइट। और तीसरा क्या बताओगे आप, थर्ड आप इसमें बता सकते हो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर वो 3 मार्क का है तो एटलीस्ट एक एक लाइन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन में देनी पड़ेगी, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीसीआर, पीसीआर के तीनों स्टेप्स आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में। फिर पूछेंगे प्राइमर क्या है और कितने सेट ऑफ प्राइमर यूज किए जाते हैं, तो 2 सेट होते हैं प्राइमर के जो कि एक साइकिल में यूज किए जाएंगे। फिर पूछेंगे वो कौन सा बैक्टीरिया जो थर्मोस्टेबल है जो कि यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे टैक पॉलीमरेज बैक्टीरिया है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है ना, सॉरी टैक पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ऑब्टेन किया गया थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, राइट। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो वो क्या है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके, ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, राइट। फिर 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होगा, आप सोचेंगे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का एग्जाम्पल बताइए, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का एग्जाम्पल आप बता सकते हो किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम। तो हम इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है, तो वो क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर।
तो इसके साथ साथ अगर एक दो क्वेश्चन में और इंपॉर्टेंट बताऊं तो फंक्शनिंग ऑफ मतलब एक्टिविटी ऑफ इको ऑर्गन पूछते हैं, एक्टिविटी ऑफ इको ऑर्गन उसको आपको डायग्राम के साथ बताना पड़ेगा, एक्टिविटी ऑफ इको ऑर्गन वो कैसे काम करेगा। फिर पूछते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ठीक है भाई। अलोंग विद दिस जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेन एंड बॉयर। अगर कोहेन एंड बॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पूछी तो क्वेश्चन ये होता है कि आप बताइए कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने डिस्कवर किया है। अलोंग विद दिस एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में से बायोटेक्नोलॉजी में से पूछे जाते हैं वो ये है कि बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए, है ना। तो बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जा रहा है, तो हाउ कैन अ बैक्टीरिया या फिर अ सेल बी मेड कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो किसी भी सेल को या बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाएगा, राइट। और इसी के साथ साथ जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1-1 मार्क के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 1-1 मार्क के हिसाब से होंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है ये आपने देख लिया, हाउ कैन अ सेल बी मेड कॉम्पिटेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेन एंड बॉयर। इसके अलावा जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से है, 1 मार्क में पूछेंगे कौन सा जेल यूज करते हैं, एगरोस जेल कहाँ से आता है, सीवीड से आता है ना। तो किस बेसिस पर वो काम करना शुरू करता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा वो ये है कैसे विजुअलाइज करोगे आप डीएनए को, है ना। कैसे विजुअलाइज होता है आप बताओगे, एक स्टेन डाला था हमने विच इज इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने जो साइज है उसके बेसिस पर वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन अगर इसमें से पूछा जाएगा तो वो ये होगा, अगर 1 मार्क की मैं बात करूं तो किस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम क्या कर सकते हैं, फॉरन डीएनए को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा गया था, हाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर अ फॉरन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल विदाउट यूजिंग अ वेक्टर, बिना वेक्टर का यूज किए आप कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या फिर किसी भी फॉरेन जो डीएनए है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप इसमें बताएंगे बैलिस्टिक जीन गन के बारे में, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में और डायवेलेंट यानी कि कैल्शियम के साथ ट्रीटमेंट के बारे में, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं और इसमें जो स्टिरर है, बायो रिएक्टर्स में जो स्टिरर है उसका क्या फंक्शन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी आता है इसमें। तो फंक्शन ऑफ स्टिरर में आप क्या बताओगे, इवन मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट, भाई जो भी कंटेंट है बायोरिएक्टर के अंदर उसकी इवन मिक्सिंग होती है स्टिरर की मदद से और साथ ही साथ ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो जाती है थ्रू आउट द कंटेनर यानी कि थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। वैसे कई बार 1 मार्क में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी पूछी जाती है बट दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और एक्सोन्यूक्लियस उसमें क्या डिफरेंस है या पहला जो एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था, तो आपको उसका एग्जांपल भी यहाँ पर देना पड़ सकता है, ठीक है भाई। जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनकी सिग्निफिकेंस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस या फिर यूजेस करके पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत 10-15 क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो शायद वो सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप समझते हो तो आप आंसर भी कर सकते हो। तो आप इसको बराबर से कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। सो इन सभी क्वेश्चंस के अलावा जो एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं बायोटेक्नोलॉजी में से हम फटाफट से वो लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। तो ये 12, 11 और 12 दोनों चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो ये डिफाइन के लिए भी कई बार आ जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, तो इसमें आपको बताना होगा बीटा ग्लाइकोसिडेज के बारे में, ठीक है, कि उसकी जो एक्टिविटी है फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने पर वो रुक जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। देन जो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन है कई बार उसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपसे या सी पेप्टाइड का रोल पूछ लेते हैं इन इंसुलिन। तो जो सी पेप्टाइड है वो इनएक्टिव बनाती है, सी पेप्टाइड इनएक्टिव बनाती है इंसुलिन को, ठीक है भाई। फिर इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है भाई, देखो
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, उनमें एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो एक बायोपायरेसी का वन मार्क में पूछ लिया जाता है कि बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी है ना, तो आपको ये बताना होगा कि बायोपायरेसी क्या होती है और किस तरीके से, मतलब जो पेटेंट वगैरह है उन सब चीजों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सो दोस्तों हम ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी 12th के बोर्ड 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे वो, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी इकोलॉजी कवर करूंगी अलॉन्ग विद द आंसर्स, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिस बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है किसी आंसर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम किसी दिन डिसाइड करके एक लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए। And all the very best. Thank you.